हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक एंड काउंट कैलोरीज विद डॉक्टर हरप्रीत सिबिया में आपका स्वागत है। आज हम पंजाब के फेमस आटे के बिस्किट, जिनको पीपे वाले बिस्किट भी बोलते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत टेस्टी बनती है। इनके लिए हम जो जो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताती हूँ। ये हमने ये वाले 4 कप्स गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल आटा है। इसमें हम ये जो शुगर है ये 3 कप डालेंगे। इसको हमने ये मिक्सी में ग्राइंड किया है, सिंपली चीनी को ग्राइंड किया है। और इसमें ये देसी घी 2 कप इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा और दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ये हमने 3 कप चीनी ली है, हमारे घर में थोड़े ज़्यादा ही बनते हैं और वो फिर काफ़ी देर जो चलते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। ये 3 कप पाउडर शुगर है। सबसे पहले हम इसमें ये रूम टेम्परेचर पे देसी घी 1 कप डाल रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम दूसरा कप भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मसल मसल के बीट करेंगे। आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये घी में या बटर में अच्छे बनते हैं। तो जो बेकरी वाले हैं वो ज़्यादा हाइड्रोजनेटेड फैट्स यूज़ करते हैं, इसलिए हम बाज़ार के नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। उससे बेटर है कि आप कोई अच्छा रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कर लीजिए। इसको हम इतना मसल लेंगे कि ये जो घी है ये बिल्कुल वाइट और फ्लफी हो जाए। ये देखिए, घी और शुगर बिल्कुल लाइट। अब हम ये जो हमारा गेहूं का आटा है उसमें मीठा सोडा 2 टीस्पून मिक्स करेंगे और इसको धीरे धीरे अपने बैटर में मिक्स करते जाएंगे। इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। ये हमने 4 कप आटा गेहूं का आटा लिया है। बिल्कुल लाइट और फ्लफी डो बन रही है। तकरीबन आधा आटा मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये हमने कोई आधा कप दूध इसमें डाला है।
जितना अच्छा आटा बनाएंगे उतने ही अच्छे बिस्किट्स बनते हैं। अब हम अपना सारा आटा डाल रहे हैं, हमने टोटल 4 कप्स आटा डाला है और अपना बाकी का आधा कप दूध भी हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने फुल क्रीम दूध यूज़ किया है। हमने पूरा 1 कप दूध डाल दिया है और ये हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको बनाने में हमें कोई 15-20 मिनट लग गए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम देंगे, उतने में हम अपना ओवन प्रीहीट करने जा रहे हैं। हमने सॉफ्ट डो तैयार की है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा दूध डाल सकते हैं। रफली 4 कप आटे में कोई 1 कप के करीब दूध पड़ जाता है। 2 कप हमने इसमें घी डाला है और 3 कप हमने शुगर डाल दिया है और ये हमारी सॉफ्ट डो तैयार है। हमारी डो तैयार है। अब हम ओवन को प्रीहीट करने के लिए 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे ऑन कर रहे हैं और अपनी बेकिंग ट्रे को रेडी कर रहे हैं जिसमें हम बिस्किट्स बना के रखेंगे। तो हमारे बिस्किट्स रेडी हो रहे हैं जी। तो हम दिखाते हैं आपको हमने कैसे इनको सिंपल स्टाइल से बनाया है। हमने ये एक बॉटल सोडा की काटी है, इसमें हमने ये छोटी सी होल्स कर ली थी गरम सिलाई के साथ और इसके साथ हम प्रेस करके इसमें से निकालते हैं। हमारे पास मशीन भी है बट उससे छोटा बनता है। हमने एक सिलाई को गर्म करके इसमें होल्स कर ली थी जिसमें से अब बिस्किट्स पक के निकल रहे हैं। अब ये बिस्किट हमारे आप अपने जिस मर्जी साइज के शेप के निकाल सकते हो। उसको हम ऊपर से एक ग्लास के साथ प्रेस कर रहे हैं। डो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए तभी वो मशीन में भी तभी बनते हैं। मशीन भी है हमारे पास बट हमें इससे थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अब हम इनको बेक होने के लिए रख रहे हैं। मिडिल वाले रैक में हम इनको रख रहे हैं तो कोई 15 मिनट के लिए हमने इनको ऑन कर दिया। जितने में पहले बेक हो रहे हैं हमारे अगला लॉट भी रेडी हो रहा है। तो देखो कितनी जल्दी ये बेक हो रहे हैं।
और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। मशीन की बजाय हमें बॉटल के साथ इनको बनाना ज़्यादा इजी लगता है। तू बोल रहे हैं बिस्किट फूल रहे हैं और बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। मुझे यकीन है खाने में भी ये इतने ही टेस्टी होंगे। और ये सारे बिस्किट्स पीपे में चले गए हैं। ओवन से निकाल के इनको ठंडा करके हम स्टोर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे बिस्किट बने हैं। ये देखिए बहुत क्रिस्प है, बहुत आराम से टूटते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। बिल्कुल बच्चे इनको बहुत लाइक करते हैं। कीरत बेटी ने बहुत ही एफर्ट के साथ बहुत अच्छे बिस्किट्स बना दिए हैं और अपना पीपा भर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे विश्वास है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक करेंगे, ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और आपके बिस्किट्स इससे भी अच्छे बनेंगे। थैंक्स वंस अगेन। बहुत ही टेस्टी बिस्किट्स बने हैं, हमने देसी घी के साथ बनाए हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको बच्चे 1 2 3 4 कहते हैं। 1 कप मिल्क, 2 कप घी, 3 कप शुगर, 4 कप आटा। तो ये 1 2 3 4 बिस्किट हो जो ये 1 2 3 4 करते ही खत्म हो जाते हैं। और साडा पीपा भर गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, एंड वी हैव फिल्ड आवर पीपा ऑलमोस्ट टू द टॉप। देखो जी साडा पीपा भर गया। सो दिस वी मेड फ्रॉम 4 कप्स ऑफ आटा, 3 कप्स ऑफ शुगर, 2 कप्स ऑफ घी एंड 1 कप ऑफ मिल्क। ये देखो यस, बिल्कुल आराम से टूट रहे क्रिस्पी, हैं, बहुत अच्छे बेक हुए हैं। कुछ कच्चा नहीं है, कुछ जला नहीं है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत है। एंड वी हैव मेड इट टू द टॉप ऑफ द पीपा। और ये हमने अपना पीपा भर लिया है और ये इसको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। दिस इज अ 5 kg वाला पीपा, पता नहीं कि नहीं ज्यादा है, पता ज्यादा, डोंट, आई थिंक इट इज एटलीस्ट 5, आई डोंट नो। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स वंस अगेन। तो ये है जी हमारे आज के आटे के बिस्किट्स, पीपे वाले बिस्किट जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं और इनकी पसंद के बनते हैं और अब यही बनाते हैं।